दो चीजें हैं अमी बहन जी, एक ये कि विपक्ष चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, और एक होता है लड़ती है लड़ने के लिए। मतलब जीतने के लिए आदमी जोश से लड़ता है, जुनून से लड़ता है, जैसे मोदी जी 2014 में लड़े, 19 में लड़े, योगी जी लड़े उत्तर प्रदेश में, कि मतलब पूरी ताकत लगा के मतलब जो हो जाए अब जीतना है। एक ही कि मतलब फिल इन द ब्लैंक, सब जो औपचारिकता है वो पूरी करनी है इसलिए लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लड़ने के लिए लड़ रही है और आम आदमी पार्टी जोश से लड़ रही है। अभी उनकी वास्तविकता नहीं है, हैसियत नहीं है इतनी, लेकिन वो जोश से लड़ रही है। वो लड़ रही है बीजेपी से, एकदम मतलब छोटी सी ही हो अभी, लेकिन वो दंगल में लड़ रही है। आप लड़ ही नहीं रहे ठीक से। हम लड़ रहे हैं, वो दिख रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। आप हर किसको दिख रहा बार, है? नहीं, तभी तो ये सवाल उठते हैं ना, आप आम आदमी पार्टी को क्यों बीच में लाते हैं? वो दिल्ली का मॉडल लेके आए हैं, हमारी जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो चुप बैठे हैं, क्या बताएंगे? सरकारी स्कूलें बंद कर दिए हैं, वो वहां से शिक्षण का मॉडल इनको दिखाने के लिए लाते हैं, और वो खुद आईआईटी जो कांग्रेस ने बनाई है पोस्ट इंडिपेंडेंस उनमें पढ़े हैं, और हमें शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की। यहाँ कोई भी नेता बता नहीं रहा है कि 17,000 स्कूलें बंद हो गई है, 19,000 स्कूलों में कमरे नहीं है, 100 स्कूल के बीच में एक ही शिक्षा के कक्ष में बता रहे हैं। ये बातें बताओ ना, रिमोट कंट्रोल की बात नहीं बताई उन्होंने। उन्होंने बोला बदल देते हैं। दो चीज थी, इनइफेक्टिव थी सरकार, कोरोना समय पे जवाब नहीं दे पा रही थी, या तो उनका रिपोर्ट कार्ड खराब था या तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। क्या था कि आपने पूरी कैबिनेट को घर पे बिठा दिया? ऐसा नहीं होता है कि हाँ बदलते हैं, नहीं, यू हैव टू गिव रीजंस। ये कोई ऐसे डिबेट, ठीक है कभी कभी ऐसे लाइट डिबेट्स होते हैं, बट वेन यू आर टॉकिंग सीरियस इश्यूज प्लीज टेल द ट्रूथ कि कितने स्कूलें बंद किए। अरे हम ये बातें करेंगे, मेट्रो आई, ये बना, आप रास्ते की हालत देखो, शिक्षा की बात देखो, आपके आपको बच्चों की चिंता नहीं है? आपके युवक जो इतनी यूनिवर्सिटीज खोली, आपको कोई डिबेट में आंकड़ा देंगे कि इतनी यूनिवर्सिटीज है गुजरात में? अच्छा, तो वो शिक्षित बाहर निकलता है, वो बेरोजगार शिक्षित के लिए आपके पास कोई जवाब है? तो ये सब बातें, दैट इज द गवर्नमेंट प्रॉब्लम है आपकी। वो ये है कि जो थोड़ी सी मिडिल एज जनरेशन है उसने कांग्रेस का राज देखा, उनको मालूम है कि उस टाइम पे क्या हुआ, और वो बीजेपी का भी उन्होंने काम देखा है। जो यंगर जनरेशन है उसने बीजेपी के अलावा किसी को देखा ही नहीं। तो जब यंग जनरेशन से बात करते हैं, खास तौर से राज्य सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, जी, जी, राज्य सरकार के बारे में ज्यादा उत्साहित नहीं है आप लोगों के काम से। वो मैं आपको शिक्षा के बारे में जो कुछ गुजरात में हुआ है उसकी थोड़ी झलक दिखाना चाहूंगा, ताकि शिक्षा के मॉडल की चर्चा करते हैं। उनका जवाब मुझे नहीं देना है, क्योंकि ये गुजरात की भूगोल इतिहास से थोड़ा अज्ञान है, इसलिए उसमें नहीं जाना है। गुजरात में शिक्षा के, जब गुजरात नहीं बना था ना, तब हमारे महाराजाओं ने मफत फरजियात शिक्षण देने का कार्यक्रम गुजरात में चलाया है, वो गुजरात है ये। यहाँ शिक्षा के बारे में गुजरात को किसी को बाहर से आकर उपदेश देने की जरूरत नहीं है, मगर हमारी दीदी ने जो बताया कि गुजरात सरकार ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज में शिक्षा में प्राइमरी शिक्षा इतनी बंद हो गई, मुझे ये बताते हुए बड़ा दर्द हो रहा था कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे थे और उनकी एक स्कूल विजिट में उनको ये ध्यान में आया कि स्कूल में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है। गुजरात इतना गरीब पहले से नहीं था, मगर आयोजन में नहीं था, और मोदी जी के मुख्यमंत्री के होते हुए गुजरात में पूरे राज्य की प्राथमिक शालाओं में बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण करना शुरू किया। ये उन्होंने का आंकड़ा गिना के सरकारी स्कूल बंद होने की बात। मैं आता हूँ उसी पर। उसी के बाद गुजरात में 32% का ड्रॉप आउट रेशियो के साथ मोदी जी को शासन में आने का मौका मिला था, तो 32% का ड्रॉप आउट रेशियो था। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शासन 27 साल से चलने के बाद वो 3.2 तक चला गया है, वो ऐसे नहीं चला जाता है। उसी के लिए नरेंद्र भाई ने देश में पहली बार प्रवेशोत्सव करके बच्चों को दाखिल करने का सबसे पहला बड़ा अभियान गुजरात में लिया, जिससे आज ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं कहता हूं कि 100% तक हमारा एडमिशन होने का काम शुरू हो गया। और उसी के बाद उसने गुणोत्सव दाखिल किया, उसी के बाद उन्होंने शिक्षकों की भर्ती के लिए काम किया गया। मेरी जानकारी है 25-30 साल की, उसी में एक साथ 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती गुजरात में जब हमारी आनंदी बहन शिक्षा मंत्री थी उस समय कर दी गई थी, 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती, और विपक्ष ने भी उस भर्ती के सामने एक अंगुली नहीं उठाई। मैं एक चीज, ये गुजरात सरकार की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है आप गिना रहे हैं।